ब्लाउज तो जी सिलाई का कुछ काम नहीं हुआ, मशीन ही नहीं चल रही, खराब हो गया। आई तभी बताया, मैं सोची शायद थोड़ा काम कर देगी, नहीं कर रही बिल्कुल भी, तो नहीं सिल रहा। अभी बच्चों को लेके आते, बच्चों को लाने का टाइम हो गया। राम राम जी, कैसे आप सभी? हम पर जी दया है, आप सभी के ऊपर आशीर्वाद है, एकदम बढ़िया। सुबह को गए हैं 11:30, वो थोड़ी मैं लग रही हूँ ना, हाँ थोड़ी तो रेडी हुई है, कहीं तो जा रही है, त्यौहार है, त्यौहारों का बहाना नहीं है। देखो अभी मैं जा रही हूँ, चलते हैं फिर बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। काम कर लिया है जी, दूध गर्म कर दिया है और कपड़े मशीन में बंद कर दिए मैंने, बीच में आके दूंगी क्योंकि फिर लेट हो जाऊंगी। तो बाकी सब हो गया है, नहाना धोना बाकी सब कर लिया है, अभी चलते बच्चे स्कूल है, तो कहाँ जाते हैं वो देखते हैं। चलो, ओहो पेड़ों की कितनी छांव, ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है जी, बहुत ही मस्त। आज मैंने जाने के लिए एक छांव वाला रास्ता चुना है, बहुत मस्त है ये। तो मैं छाता भी लेके आई हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज है, पर इधर कहीं छांव है कहीं धूप है। पहुंच गई जी मैं, कहाँ आई हूँ, एक ही ठिकाना है, ननद के पास। ये देखो सिलाई मशीन, और सिलाई का ही काम है मुझे, इसलिए आई हूँ एक ब्लाउज लेकर। आप अगले की मशीन ऐसी चल रही है, आज तो खराब चल रही है, देखो कैसे क्या होगा क्या ना। ये एक ब्लाउज, इसका काम करना, इसकी तो बाजू करनी थी, मैं सोची ले ये भी कर लूँगी, बता देगी। इसकी मशीन पहले ही ठस हो रही है, आज देखती हूँ क्या करेंगे। ये ब्लाउज सिलना है तो ये लेके आई हूँ, ठीक है। टाइम हो गया जी 1:15, और सिर्फ अस्तर की कटिंग की है, ब्लाउज नहीं कटा, जो अस्तर था ना वो कटा है। थोड़ी देर में बच्चों का टाइम हो जाएगा, साथ में आ गई है दीदी भी हमारे साथ, और अब बैठ के पी रहे हैं चाय, नमकीन खा रहे हैं। ना ब्लॉग मत बिगाड़ा करे, ये अब चाय पार्टी चल रही, चाय नमकीन की पार्टी। ये निसूर बुआ जी दोनों एक सी है, ब्लॉग में आकर नूर नु मुंह छुपाएंगे। चाय पी लो जी, चाय पी लो, नमकीन खा लो और चाय पी लो। ऐसी चल रही हमारी पार्टी, ऐसी सिलाई चल रही, ब्लाउज ऐसे सिलेगा मेरा, देखो सिलता है क्या। लो जी चाय, दोनों सैटरडे संडे दोनों पूरे दिन रहेगा जी। स्कूल से तो आगे पर आ गए हम बुआ जी के, आज इधर ही है हमारा लंच, बना लिया है मैं लेके ही बच्चों को, ब्लाउज डाल लिया उसमें, क्या करूँ मशीन तो काम करना रही, मैं मेरी तो ही सिल लूंगी। ये जी लंच लग गया है, दाल चावल बनाए ना, नहीं मैं तो बच्चों को लेके आई हूँ और इन्होंने खाना बनाया है, और ब्लाउज का काम तो कह रही थी कुछ हुआ नहीं, तो मैंने रख लिया बैग में, वापस घर जाके अपने मशीन से ही करूंगी, कट कर लिया है। आ जाओ रे, ये डल गया जी खाना, खाने लग गए हैं, दाल घी है और चावल है, सलाद भी है। ये टाइम हो गया जी 4:30, अब हम चल दिए हमारे घर पे, चलते हैं, ननद को मुश्किल से लेके आई हूँ, आती नहीं है। ये देखो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो बारिश फिलहाल नहीं आ रही, पर बढ़िया नहीं है, ठंड ठंड, मन तो ऐसा कर रहा है इन कुर्सियों पे ही जम जाए। बढ़िया हो रहा है एकदम, अभी तो फोन में लग रहा है, निश्वर भूमिकर खेल रहे हैं, और पप्पी करने लग रही है सिलाई। टाइम हो गया जी 6:15, और इसकी थोड़ी डिजाइन की बाजू बनती है, तब बनेंगी तब दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। ट्राई तो कर रहे हैं कपड़ा, पर ऐसा ही 80 सेंटीमीटर था ब्लाउज का, तो थोड़ा वही जोड़ तोड़ करके ही काम चलेगा। ये मैंने अस्तर और ब्लाउज का काट दिया है, सिलने का ताज नहीं होगा, ये बॉर्डर वॉर्डर निकाला इसका, और पीछे का भी कर दिया कट, नड़द से बाजू कटवा लूंगी मैं, फिर देखूंगी कब सिलेगा तब सिल जाएगा, क्योंकि लेट हो चुका है। तो सुबह से इस ब्लाउज के पीछे हूँ मैं, और इसका काम नहीं हुआ आज, उन मशीन ने धोखा दे दिया, मशीन सही होती ना तो मेरा काम हो जाता। कोई नहीं, देखते अभी, कल कभी किसी दिन टाइम मिलेगा तो कर लेंगे फिर। ननद ने कर दिया जी चलने की तैयारी, 5-7 मिनट तो और बैठ जा, 2 मिनट और बात कर लेंगे, चली जाइए ना, बैठ जा थोड़ी देर बैठ जा जी, जी ना अगर मां तो के करा। ये भी दोनों पूरी शरारती हो रही है, बारिश आ रही है जी, मौसम अच्छा हो रहा है बहुत। ए बेटा यार, फिर और फॉइल पेपर लिया तुम लोगों ने, वही वाली है ये, देख दिख रही, बोल दिख रही सी, सारा फॉइल पेपर करा के नू ना, भीतर तो भीतर नू ना भीतर तो नॉर्मल पेपर ले लेते, कितना फॉइल पेपर लगा रखो, ये बोल बना रखी है। बज गए जी 7, ननद चल, हल्की हल्की बारिश आ रही है, चलो ठीक, कुछ सामान तो ना छोड़ दो, फोन फान चलो लेगी, बोलेगी मीनाक्षी, चलो बाय बाय। और निशिता को अब काम याद आया, ये जी अपने बैठ के काम कर रही है, और भूमिका इसकी हेल्प कर रही है। मैं भूमिका, तू हेल्प कर रही बेटा, कर लो हाँ ठीक है, देख ले कर ले,
ठीक है वो फ्रेंडों में बहुत तेज प्रेम हो रहा है। अरे यो क्यों गेर रखे उसे पटक दियो बेचारे, इसने क्या कसूर कर दियो। करती हूँ जी अभी थोड़ा सा किचन का काम, बर्तन पड़े हैं, चाय वाय बनाई थी, टिफिन भी पर रखा है, चॉकलेट ही चॉकलेट खाए जाए बच्चे, और थोड़ा खाना पीना देखते हैं जी क्या बनाती हूँ। दोपहर में तो आज बनाया नहीं, थोड़ा सा कुछ खिचड़ी दड़े कुछ नहीं, ये लोग क्या खाएं कुछ ऐसा ही खाना बनाते। खिचड़ी ये बोल रहे खिचड़ी, निशु उससे पूछ रहे खिचड़ी खाएगी दड़िया खाएगी ओट्स खाएगी उसको ओट्स, ठीक है देखती हूँ इसका ओट्स बना दूंगी, थोड़ी खिचड़ी दड़िया बना लेते बनाते हैं। गुमसुम होगा बेचारो, बर्थडे नहीं काट रहे केक वेक नहीं काट रहा। अच्छा और देन मम्मी तबीयत ठीक से? टाइम हो गया जी रात के 9:30, इसमें भिगो दिया मैंने ड्राई फ्रूट, इसमें किशमिश और वो अंजीर, ये दाल निकाल के रख दिए, दूध जमा दिया, काम मतलब ख़त्म कर दिया है, बर्तन वर्तन वॉश कर दिया, ये एरिया क्लीन कर दिया, बच्चे जा चुके हैं अपनी मच्छरदानी में, ब्रश ब्रश करके मुँह हाथ धो के सो जाएंगे। 9:30 हुआ, थोड़ा ब्लॉग नहीं एडिट किया कल का तो वो काम करती हूँ, और आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, कल फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, आप सभी को शुभ रात्रि, राम राम जी।